ये सब भोले बाबा को चढ़ाए गए, 14 रत्न निकले, लेकिन तुम्हें उस रत्नों से क्या मिला? कुछ मिला? केवल सुन लिए। अच्छा, इसका भाव अर्थ बता दें आपको। हर कथा में बताते हैं कि कथा हम और आपके ऊपर आधारित है। कथा कोई भी समुद्र है क्या? बोले ये जो हमारे वेद पुराण हैं, यही अथाह सागर हैं। वेद पुराण कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत। वेद पुराणों का किसी ने पार नहीं पाया, इनकी गहराई कितनी है किसी को पता नहीं। तो बोले ये वेद पुराण है, ये है समुद्र। अब इसका मंथन कौन कर रहा? बोले राक्षस और देवता। तो राक्षस कौन है? बोले नास्तिक। जो नास्तिक लोग होते हैं, अरे कहीं कुछ नहीं है, सब ढोंग है, भगवान कहाँ है ही नहीं, बोले ये है नास्तिक। और जो आस्तिक हैं, वो है देवता, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं। अच्छा, देवता और दैत्य मंथन कर रहे हैं। तो एक नास्तिक और आस्तिक कौन? जो भगवान को मानता है वो है नास्तिक। हम और आप, भगवान को मानता है वो है आस्तिक, और जो नहीं मानता वो है नास्तिक। अब दोनों में जब मंथन होगा, इसका वेद पुराणों का, अब एक विद्वान व्यक्ति कहेगा आस्तिक कि भगवान ने ऐसी लीला की, भगवान ने ऐसा कहा, पर नास्तिक कहेगा कहीं कुछ नहीं होता। अब जो आस्तिक होगा वो तो सत्य बात बोल रहा, और फिर भी जब नहीं मानी जाएगी तो उसे थोड़ा क्रोध आएगा। और दूसरा नास्तिक राक्षस, उसे उससे ज्यादा क्रोध आएगा। तो सबसे पहले क्या निकला मंथन में? क्या निकला मंथन में? समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? अरे सब लोग अगर मिलके बोलो तो कम से कम बरुआ सागर तक आवाज तो निश्चित पहुंचेगी। आप लोग सोच रही हो पंडित जी तुम्हारा ठेका है, तुम्हें गए थे ये परीक्षित जी लेवाऊ कि कथा कहने महाराज, तुम्हारा काम है कथा कहो। अरे हम उनको सुनबो है, सुने सुने नहीं सुने तो बैठे तो है ना। सबसे पहले क्या निकला था? जहर निकला था। अब जब देवता और दैत्य यानी नास्तिक और आस्तिक दो लोग आपस में मंथन करेंगे, और एक कहेगा भगवान है, एक कहेगा नहीं है, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? जहर यानी झगड़ा होगा, होगा। अच्छा, भगवान शंकर ने क्या किया उस जहर का? पिया है। भगवान शंकर कौन है? देवता है, यानी आस्तिक जो व्यक्ति है, जो सज्जन व्यक्ति है, उसको क्रोध तो आएगा, पर उसका काम है कि उस क्रोध को पी जाए, उस समय कुछ ना बोले। भैया तुम कह रहे हो नहीं होता भगवान, चलो तुम्हारी बात ठीक है जाओ, और अगर नहीं माने आप बात, आप अपने पर अड़े रहे, वो अपने पर अड़ा रहा, फिर आपस में यो झगड़ा होगा, झगड़ा होगा, या तुम पिटोगे या वो पिटेगा, बाद में वहां पहुंचोगे, तुम बर्बाद और वो बर्बाद। जहर क्या है? काल है। और अगर उस जहर को पी जाओगे तो ना उसे कोई हानि और ना तुम्हें हानि। लेकिन एक बात और है, पीना लेकिन अंदर नहीं ले जाना। अगर अंदर ले जाओगे तो सोचोगे कि ठीक है भैया, आज तुम्हारी बात हम मान गए, अकेले कहूं फंसो, फिर ये गुस्सा निकालेंगे नौकरी। तो बात तो वही हुई, लेकिन ना तुम्हें अंदर ले जाना, ना तुम्हें मुंह के बाहर निकालना, गले में उसे रोक लो, भूल जाओ उस बात को, उस बात को भूल जाओ क्या हुआ था जो शंकर भगवान ने किया, उस गले में धारण कर लिया उस जहर को। फिर आगे मंथन हुआ, जब आगे मंथन हुआ श्री मणिरम महा कौस्तुभ मणि निकली, कौस्तुभ मणि भगवान नारायण को दे दी, लंबा निकली
एस अप्सरा इंद्र को देवी और बारहवीं निकली मैया, बारहवीं मैया जानते होंगे, ओ शायद कहो आप लोग ना जानते हो। शायद आप लोग ना जानते हो क्योंकि इस गांव में तो लोग पीते ही नहीं है। बारहवीं मतलब मदिरा, इस गांव में कोई नहीं पीता। हमें बताया था भगत जी ने, बोले महाराज इस गांव में तो पीती ही नहीं है, और धोखे से देख भी अगर ले यहाँ के लोग तो जा करके स्नान करते हैं सबसे पहले। यहाँ के लोग नहीं पीते हैं, बात सत्य है। अब भगवान जाने तो ये मैया जाने, जैसा बताया अगर ऐसा है तो भगवान मैया की बड़ी कृपा है, और अगर ऐसा ना भी हो तो मैया ऐसा कर दें, बड़ी और अच्छी कृपा, हमारा जीवन बड़ा धन हो जाएगा। अगर ऐसा लोग करते हो तो मैया उन पर ऐसी कृपा करें कि वो आज से छुए ही ना। ये काम है मदिरा पान करना, देवताओं का काम नहीं है मदिरा पान करना, ये राक्षसों का काम है। और संख निकला जो महाराज नारायण को सौंपा गया, गजेंद्र हाथी निकला, उस हाथी को इंद्र को दिया, और ऐरावत हाथी निकला, उस हाथी को इंद्र को दिया, और महाराज एक कामधेनु गाय निकली, उस गाय को उस स्वर्ग लोक में रख दिया गया, और एक वृक्ष निकला कल्प वृक्ष, उस कल्प वृक्ष को भी स्वर्ग में रखवा दिया। बोले महाराज जो इसका राजा होगा वो उसका इस पे अधिकार होगा। फिर चंद्रमा निकला, भगवान शंकर ने जहर का पान किया था, चंद्रमा ठंडा होता है, शीतल होता है, चंद्रमा को धारण कर लिया। इसके बाद लक्ष्मी मैया का प्राकट्य हुआ, वो लक्ष्मी मैया की, देखो तो लक्ष्मी मैया का जयकारा अच्छी तरीके से लगाना, कहीं लक्ष्मी रुष्ट हो गई तो परेशान हो जाओगे। एक बार और पूरी ताकत से, अभी नहीं जब हम कहें तब, यहाँ के बच्चे बहुत समझदार हैं, आप लोगों से ज्यादा समझदार है यहाँ के बच्चे हैं, तो लक्ष्मी जी का जोर से जयकारा लगाएं, वो लक्ष्मी मैया की जय। क्या बात, अब लगा कि यहाँ भक्त लोग बैठे हैं पर लक्ष्मी के भक्त बैठे हैं, मैया के भक्त नहीं है। बोल अम्बे मैया की जय। ऐसे अब लगा कि हाँ भक्त बैठे हैं, तो लक्ष्मी जी का जब प्राकट्य हुआ, लक्ष्मी जी को जैसे ही देखा तो महाराज लक्ष्मी को सब चाहते हैं, चाहे वो दैत्य हो, देवता हो, मनुष्य हो, कोई हो, सब लक्ष्मी चाहते हैं। भगवान ने सोचा अगर हम कह देंगे कि हमें दे दो तो अभी युद्ध शुरू, क्या करें। भगवान ने कहा एक काम करो, स्वयंवर कर दो, ये लक्ष्मी जिस पर जिसको वरमाला पहना दे ये लक्ष्मी जी उन्हीं की। स्वयंवर किया, सब बैठे हैं और आशा लगाए हैं लक्ष्मी हमें मिलेगी, हमें मिलेगी। जिनके सामने से लक्ष्मी जी निकल जाए वो बेचारा मुंह बना ले, और जो बगल में बैठा वो प्रसन्न हो जाए कि अब तो ये माला हमें डलेगी। नारद जी भी बैठे थे, कहीं हमारा भी हो जाए तो और अच्छी बात है। सब देवता बैठे हैं पर लक्ष्मी जी किसी को देख नहीं रहे। लक्ष्मी जी की निगाह पहुंची एक तरफ, एक सुंदर सांवले सरकार बैठे हैं पर वो लक्ष्मी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो पीठ दे करके बैठे हैं। अच्छा लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये शायद ठीक व्यक्ति है हमारे लिए, क्यों, बोले इससे हमारी चाय नहीं है, ये ठीक है, क्यों आजकल झूठा प्रेम बड़ा चल गया है, झूठे प्रेम में मत पड़ना कभी। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, मित्र लोग सामने, कोई एक मित्र आया, अरे भैया आप तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, आप हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। दूसरा आया वो भी महाराज आप तो और प्राणों से प्रिय हो मैं, और मौका पड़ जाए तो प्राण हरण कर लूं।
खुद प्राण ले लो। ये बनावटी प्रेम है, सच्चा प्रेम वही है जो अपने मुंह से कहे ना, वो सच्चा प्रेम है। और जो बताते फिर अरे महाराज हम बहुत चाहते हैं, अरे महाराज हम अपने माता पिता को कभी नहीं छोड़ सकते, हम बहुत चाहते हैं, हम अपने परिवार को बहुत चाहते हैं, जो बताते फिरते हैं वो ये मानो निश्चित वो चाहते नहीं है, केवल बता रहे हैं। इस बातें तो बहुत कुछ है पर समझदारों के लिए, सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे श्रोता हैं, तो महाराज बातें बिहारी भगवान नारायण बैठे हुए हैं पर मुख किए हैं उस तरफ जहां लक्ष्मी की परछाई भी ना जाए। आने लगे तो देवता फिर रोने लगे, भगवान बचाओ। तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु च सखा तुम्हें वो, प्रभु तुम्हें हो हमारे सब कुछ, अब तुम्हें हमारी रक्षा करो। भगवान बोले देवताओं खुद कुछ कर लिया करो, हर काम में हमें आगे किए रहते हो, पर भगवान ने सुंदर एक मोहिनी रूप धारण कर लिया, मोहिनी बन करके भगवान प्रकट हो गए। बोले मोहिनी भगवान की, आज मोहिनी मैया का रूप धारण किया, सुंदर हाथ में गेंद लिए हुए हैं, चली जा रहे हैं जहां राक्षस लोग टोली बना करके बैठे। अच्छा अमृत ले तो गए थे पर पी नहीं पा रहे थे, क्यों? राक्षस तो राक्षस हो, आपस में झगड़ा होने लगा। बोले पहले हम पिएंगे, वो बोले हम पहले पिएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे ये गांव है तो इसी तरीके से समझा दें,